इस स्वादिष्ट पनीर भुर्जी को देखकर आपके मुंह में आ गई ना पानी, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स टेस्टी भोजन में। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले इस कढ़ाही में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही इसमें एक चम्मच जीरा और तेजपत्ता डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और 3 कटे हुए प्याज। प्याज को मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भून लेंगे। तो प्याज को 5 मिनट भून लेने के बाद अब इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च और 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। फिर से इन सभी को 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई टमाटर, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ये डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ पर हम 300 ग्राम ताजा पनीर लिए हैं, इसे हाथों से इस तरह से मसल कर इसमें डालेंगे। वैसे आप चाहें तो पनीर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। यहीं पर डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई मेथी का पत्ता, 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर और ये 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। अच्छे से चलाकर मिला लेंगे इन सभी को। अब इसे 2-3 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। तो 2-3 मिनट बाद अब इसका कवर हटाएंगे। इस पनीर भुर्जी से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे चूल्हे पर से नीचे उतार कर रख लेंगे। अब इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डालकर इसे मिला देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। यह पनीर भुर्जी रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।